एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियोस। तो कैसे हो आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल पर जो नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो अभी मैं छत पर हूँ, छत का मज़ा ले रही हूँ, हवा का मैं मज़ा ले रही हूँ। और फोन एक जगह मैं रख देती हूँ, लाइक नहीं रखाएगा मेरा फ़ोन मुझसे जलता है, सीरियसली मेरा फ़ोन मुझसे जलता है। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं यहाँ का क्या बोल रहे थे। सो मैं जा रही हूँ आज थोड़ा चाय वगैरह पीने के लिए, वहाँ का चाय बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और मैं भूटान का आज फुचका भी खाऊंगी, बिकॉज आज मेरा रिलेशनशिप का 5 ईयर्स हो चुका है। तो मैं जो सोची थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लूँ, केक नहीं काटूँगी बिकॉज केक से मेरा पेट भर चुका है इसीलिए। सो आज हमारा रिलेशनशिप का 5 ईयर्स कंप्लीट होने की खुशी में मैं जा रही हूँ चाय पीने और गोलगप्पा खाने के लिए। सो चलिए, आप लोग मेरी बने रहे और मैं देख लो क्या ड्रेस पहनी हूँ, टॉप और जीन्स जो मुझे बर्थडे पर मिला था। तो अभी हम जा रहे हैं एक दो रील्स बनाने। सो अभी चलिए मैं रेडी होकर मिलती हूँ जब जाते टाइम। अभी थोड़ा सा बारिश आ रहा है तो कोई बात नहीं, पर जाएंगे ही हम बस। गाइस, मैं रेडी होकर निकल चुकी हूँ घर से और अब हम जा रहे हैं। आप लोग मेरी ब्लॉग में बने रहो तो देखने को मिलेगा आप लोग को। सब हम जा रहे हैं, आने दो, अभी तक डुग्गू आया नहीं है, उसी के साथ जाएंगे, अकेले तो ना जाएंगे, रुक जाओ। सो गाइस, मैं अभी बाइक में हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग को तो बताया है बट अभी दिखाऊँ, बहुत दिन के बाद जा रही हूँ, मतलब 6-7 मंथ हो चुका है मुझे चाय पिए हुए। घर में पीती थी, कभी कभी पी लेती थी, मुझे जब मन करता था तो एक दूध लाती थी, ओनली एक दूध का, 2 कप चाय बनाती थी उसका पीती थी। तो आज जब भी मज़ा आ जा रहा है। हाय व्यूअर्स, क्या बोल रहे? अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हवा चला था, सॉरी बारिश हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हवा चल रहा है, ठंडा ठंडा, कूल कूल। कल बहुत गर्मी था और आज ठंडा है थोड़ा, ऐसे ही करके रखे तो अच्छा है ना। ये 2 चक्का 4 चक्का आ रहा है, चलो मैं आप लोग को रास्ता दिखा रही हूँ। देखो मेरा रास्ता यहाँ का कितना शांत है, ओनली दुकान वगैरह खुला हुआ है। कितना दूर है? फाइनली हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे काफी भीड़ था। अभी मैं दिखा रही हूँ चाय कैसे बन रहा था, वो दिखाया ना मैंने। यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है बट अभी सब उठ गया है। चलो फ्री आता है मेरा तो आप लोग के साथ दिखाते हैं चाय करते हैं। ये है हमारा टी, आप लोग देख सकते हो, ये हमारा ये शॉप का। चिकन पेटिस भी लिए हैं, उसको भी खा लेते हैं, खाओ लेकर। चलो फ्री आता है मेरा तो आप लोग के साथ दिखाते हैं शेयर करते हैं। तो हम आ गए, हमारा हो गया की पीना और चिकन पेटिस भी खाया, काफ़ी मज़ेदार था। तब हम जा रहे हैं फुचके की दुकान पर, फुचका खाना बड़ा वाला। गाइस फाइनली हम वहाँ पे बंद था तो मैं यहाँ पे आई हूँ दूसरे जगह। चलिए अब मैं खा लेती हूँ गोलगप्पा, फिर मिलते हैं। यहाँ का गोलगप्पा दुकान में कितना भीड़ होता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, मेरे लाइट के कारण नहीं दिख रहा है। हमने खा लिया है गोलगप्पा और मैंने 10 रुपये का ही खाया, ज़्यादा नहीं, बिकॉज मैं डाइटिंग कर रही हूँ। और गुड न्यूज़ ये था कि मैं दीघा गई थी तो मेरा 200 ग्राम ओनली वज़न बढ़ा था, वो भी जिम करके मैंने कम कर लिया। सो कितना बार बिरयानी, मैंने सोचा 2-3 किलो तो बढ़ जाएगा, इसलिए मैं बहुत सारा चीज़ खा ली थी, चिकन पकौड़ा, 3 टाइम बिरयानी, 3 दिन थे 3 दिन बिरयानी, पर मेरा वेट नहीं बढ़ा, आई एम सो हैप्पी। तो चलिए अब घर जाते हैं, घर जाके आप लोग से थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा लाइट है और मेरा फेस भी थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ऐसा अच्छा तो दिखता ही है। फोन लिया ना? लाइट रहना, हाँ मेरा फोन है, तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास है ना? तुम्हारा दोनों फोन है? हाँ मेरे दोनों फोन है। सो गाइस, आज स्पेशल डे तो था ही और मुझे बहुत अच्छा लगा अभी शाम को टाइम स्पेंड करके और ज्यादा कुछ खाने में ही मजा आया मुझे, क्योंकि हम घर में रहते हैं तो जल्दी कुछ नहीं
खा पाते हैं, बाहर जाते हैं तो ही खाते हैं, और मैं जल्दी बाहर नहीं जाती हूँ फालतू में, और जाती भी हूँ तो मैं सुबह के टाइम जाती हूँ, सुबह के टाइम में ये सब नहीं मिलता है। तो यहाँ पे शादी हो रहा है, कितना मस्त सजाया गया है। सो गाइस वो चल गया अपने घर और मैं जा रही हूँ अपने घर, बिकॉज उसको गेम खेलने का रहता है। सो ले लो ना पबजी, पबजी मेरा दिमाग खराब कर दिया है। पहले तो फिर क्या बोला जाता है, फ्री फायर करता था, फ्री फायर बैन हो गया अभी एक। तो चलो कोई बात नहीं, घर जाके आप लोग से बात करते हैं। और ये मैंने चटपटी ली है अपने मोम के लिए, मेरी मम्मी को पसंद है, फुचका वगैरह नहीं खाती है किसी का हाथ का, मतलब हाथ से वो लोग आलू चोखा बनाता है ना आलू का, सो इसीलिए। सो घुगनी ली हूँ मैं अपनी मम्मी के लिए। तो चलो आप लोग, अंधेरा दिख रहा है, घर जाके बात करते हैं। सभी मैं दुकान से सरदर्द का ये लेने आई हूँ बाम और मेहंदी, मुझे मेहंदी लगाने का मन है और कुछ नहीं। सो मैं मेहंदी लेने आई थी, मेरा बहुत मन कर रहा है मेहंदी लगाने का, और मेरा प्रैक्टिस भी हो जाता है मेहंदी लगाने से। तो घर जाके बात करते हैं, यहाँ पे मैं अंधेरा दिख रहा है, मैं कोयली देख रही हूँ कोयली। सो चलिए, मैं सर दर्द ना मैं जब से दिघा से आई हूँ तभी से कर रहा है, बस में बैठे कम मेरा आदत नहीं है, इसीलिए लगाऊंगी ठीक हो जाएगा। गाइस अभी मैं वो मैं अपनी मम्मी के लिए लाई थी, बट मैं खा रही हूँ बिकॉज मैं मम्मी नहीं खा रही, पेट भरा हुआ है। सो ये खाकर मैं सो जाऊँगी, यही मेरा रात का डिनर, और कड़ी पी पीऊँगी, और अभी मेहंदी लाई हूँ, मेहंदी लगाऊँगी। तो गाइस आप लोग को मेरा ये ब्लॉग आज का कैसा लगा, छोटा ही ब्लॉग था बट थोड़ा इंटरेस्टिंग था। सो मैं ये घर में आ गई हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए, तो छोटा ही ब्लॉग था पर इंटरेस्टिंग था, कैसा लगा आप लोग बताना। और हमारा 5 ईयर्स कैसे ये हो गया मुझे समझ में नहीं आया लॉकडाउन की वजह से। सो ऐसे ही हमारा 100 ईयर पूरा हो जाए हमारा रिलेशनशिप का, और 100 ईयर्स में पता नहीं मैं ब्लॉगिंग करूँगी नहीं। तो चलिए अभी मैं थोड़ा डिनर कर लेती हूँ, और क्या बोली थी, मुझे मेहंदी लगाना है। सो कुछ अच्छा डिज़ाइन देख लेते हैं, फिर मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी का डिज़ाइन दिखाऊंगी, देन सुबह मैं ब्लॉग ख़त्म कर दूंगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह, मेहंदी दिखा दूंगी थोड़ा सा, और उसका कलर कैसा आया वो दिखा दूंगी। सो ये है हमारा मेहंदी का डिज़ाइन, मैंने बहुत ही सिंपल डिज़ाइन लगाया है, और ये मैंने खुद से सोचा था, खुद से सोचा है डिज़ाइन। सो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताओ। और पीछे हमने बस एक फूल जैसा बनाया है, सो कैसा लग रहा है, मुझे सिंपल डिज़ाइन ही पसंद है ज़्यादा, ये सब नहीं। तो चलिए अब रात को दिखाते हैं, सॉरी सुबह में दिखाते हैं मेहंदी को। सो ये है 3 बजे सुबह का, तो मैं जल्दी उठ गई थी और ये मेहंदी मेरा छूट रहा था तो छुड़ा कर सो रही थी। तो अब सुबह दिखाएंगे कैसा कलर हुआ। सो ये है सुबह का, और देख लो आप लोग कितना मस्त कलर हुआ है, और बहुत ही पिटी दिख रहा है, अभी और होगा दिन में, सो देखते ही है।